बच्चों की क्लास में बैठा रखा है अभी। फटाफट से और ये देखो चिकन बनाने की तैयारी। फटाफट काम चोर फटाफट मजेदार को मेरे को भी फटाफट चुपचाप से खाओ, कोई नहीं हुआ। मैं इसको कह रहा हूँ कि रहने दे, कोई नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। और जी आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत जल्दीबाजी की हो रही है, क्योंकि देखो ना ये देखो सारा बिस्तर ऐसे लगा, अभी ये भी उठाना है। और टाइम देखो 8:10 है, तो मुझे निकलना है फटाफट से ऑफिस के लिए, क्योंकि फ़ोन आया कहीं पे प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन देनी है मैम ने, तो मुझे फटाफट भागना पड़ेगा। और पुष्पा हेलो, जल्दी जल्दी से रोटी दो खाने के लिए बना दो फटाफट, बस निकलना है मुझे आधे घंटे में। और बस मैं फटाफट होता हूँ तैयार जी, ज़्यादा बकवास नहीं करते, पहले करते हैं। तो सबसे पहले अपना बिस्तर उठा लेते हैं, फिर उसके बाद नहाई धोई करके खा के फटाफट भागेंगे। तो दोस्तों हो गया मैं तैयार, और पूजा पाठ होगी, खाना भी खा लिया, दोपहर का लंच भी रख लिया, आज बहुत बहुत जल्दी तैयार हुआ। और ये देखो टाइम हो रहा है 8:30 और मुझे फटाफट पहुँचना है, 9 बजे तक पहुँचना है। और पुष्पा भी आगे देखो नहा धो के ये बैठा हुआ है बिना नहाए धोए। तो फटाफट से चलते हैं जी, और आज का देखते हैं कैसा रहता दिन। और ये फ़ोन मैं घर में ही रख जाऊँगा, क्योंकि नया फ़ोन अभी ना लेके नहीं जा रहा हूँ, बाहर थोड़ा सा लगता है ना अभी। तो अभी फ़िलहाल ऑफिस के में तो टाइमिंग में सिर्फ फ़ोन वैसे ही यूज़ करना होता है, तो वो तो अभी उसी से चलेगा काम, अभी मैंने इसमें सिम भी नहीं डाली है। तो चलो चलते हैं यार फटाफट, है ना, अब बाकी बातें बाद में। तो दोस्तों जहाँ मुझे पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ, ये देखो जी ये स्कूल यहीं पे है, प्रेजेंटेशन आज तो यहीं बुलाया था मुझे, तो चलो चलते हैं। तो लो जी दोस्तों हम पहुंच गए स्कूल में, और अब चलते हैं और जाके अपनी जगह संभालते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया, देखिए कितना अच्छा स्कूल है, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, महंगा स्कूल है बहुत। तो ये देखो जी ये बच्चों की क्लास में बैठा रखा है अभी, ये क्लास रूम है, ये क्लास रूम है, ये देखो, और मैं बैठा हूँ इस छोटी सी टेबल पे वेटिंग। पापा आ गए और मैं भी काम से, और बहुत थक गया यार, आज मीटिंग थी आपको पता ही है, ऑफिस गया था तो ऑफिस में वो है ना बहुत ज़्यादा ही काम था, तो थक गया हूँ, अब घर चलते हैं यार फटाफट, चाय के खिलाफ। हाँ पुष्पा भी यहाँ लेट आई है, 10 मिनट इसके लिए खड़ा रहा, तो हाँ अब तो उसे लग ही रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा थकान हो गया आज, तो कोई नहीं चाय चाय पियेंगे थकान मिटाएंगे। तो दोस्तों चाय वाय पी ली है और थकान अब थोड़ी सी कम हो गई है। और इधर देखो पुष्पा कर रही है लहसुन छील रही है, और दृष्टि ने तो चलो आटा गूंदना शुरू कर दिया। और आपको पता है पुष्पा लहसुन क्यों छील रही है? क्योंकि आज बनाएंगे चिकन, और हम बनाएंगे ठीक है। और ये देखो चिकन बनाने की तैयारी मैंने पूरी कर ली है, टमाटर प्याज सब कर लिया, और पुष्पा लगी हुई है उधर, और वो देखो एक काम चोर, थोड़ा सा सामान सामान ला के बैठ गया, कहता मैंने अपना काम कर दिया है ना, अपना काम कर दिया, कहता अब तो आज मैं बनाऊंगा चिकन, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुकिंग बिल्कुल ही नहीं किया है ना, तो इसलिए आज हम बनाएंगे चिकन। और चाय भी आज मैंने ही बनाई थी। तो पुष्पा कैसी बनी थी चाय आज बहुत दिनों के बाद? अच्छी बनी थी, गुड वाली, थकान मिटी, गले में दर्द ठीक हुआ? और आज ना पुष्पा को पता नहीं कहती गले में मेरे खरखराए नोडिमा, तो मैंने कहा चलो पुष्पा मैं बना के खिलाता हूँ आज पहाड़ी स्टाइल में चिकन, और इसे तरी पी के हो जाएगी गले की जो भी दुख तकलीफ है दूर, ठीक है पुष्पा? तो चलो जी हम चलते हैं रसोई में और अपना बनाते हैं चिकन। तो दोस्तों ये देखो जी, आहा वाह क्या मसाला बनाया है लल्ली भाई ने, यानी कि मैंने, तो देखो कैसा लग रहा है दोस्तों, ये देखो वाह वाह जी वाह, ये देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, अभी इसमें तरी बनाएंगे, अभी थोड़ा सा ऐसी बस भून लिया इसको, वाह 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 मज़ेदार, अभी इसमें बनाएंगे ग्रेवी, क्योंकि थोड़े से हम चावल भी खाएंगे ना, तो मैं इसमें ग्रेवी बना लेता हूँ बस। तो बस अब इसमें पकेगा ये, और मस्त अपना थोड़ी देर में चिकन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो जी चिकन तैयार होने वाला है, बस अभी थोड़ा सा और स्टीन ने रोटियां बना के पूरे डब्बा भर लिया, और अब धोने लगे बर्तन। और इधर देखो पुराने कपड़े सब अंदर जाके, और जो चादर हादर चाहिए बस वो निकाल रही है पुष्पा, और मुँह ढक लिया इसने देखो अच्छे से, ताकि धूल मिट्टी ना, क्योंकि इसको भी ना एलर्जी जल्दी से हो जाती है, मुझे भी थोड़ा सा धूल मिट्टी से है ना, तो इसको भी है, इसको भी धूल मिट्टी एकदम से चढ़ जाती है,
इसको भी है ऐसे हाथ खड़ा करके कह रहा है मेरे को भी। तो चलो जी अभी थोड़ा सा पहले साफ सफाई कर ले, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और दोस्तों ये देखो जी बन गया है चिकन। और दृष्टि को देखो, पहले से चावल, सिर्फ चावल खाने गया तुझे आज है, रोटी नहीं खाएगी? और प्रज्वल तो लग गया रोटी खाने फटाफट। और पुष्पा ने देखो आज कूलर के सामने का पर्दा सरदा सब हटा दिया है ताकि थोड़ी हवा आए, क्योंकि ना अब घुटन सी होने लगी अंदर, है ना पुष्पा? और थोड़ा सा नमक का अमाउंट जो है ऊपर जा चुका, लेकिन चावलों के साथ बिल्कुल सही। चिकन अच्छा नहीं बना? अच्छा बना, पर नमक का अमाउंट थोड़ा सा ऊपर चला गया रोटी के साथ। अच्छा तो देख लो जी, पहली शिकायत आ गई है पुष्पा। अब दूसरी शिकायत ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ देखा, ये देखो ये मेरी बीवी देखा, बोल कह रही चुपचाप से खाओ कोई नहीं हुआ। चलो अब मैं भी खा लेता हूँ और खाने के बाद फिर मिलेंगे। कोई नहीं, धनिया मैंने डाल रखा था वैसे भूल गया उसमें। तो दोस्तों ये देखो रात के बज रहे हैं 12:15 और पुष्पा लगने, मैं इसको कह रहा हूँ कि रहने दे कोई नहीं, आराम कर ले। देखो 12:15 हो गए पर इसने मेरी टांगे पकड़ के खींच ली है और वो लग गई है अपनी कर्तव्य निष्ठा से, है ना। और मैं भी अभी, अब कल संडे है वैसे, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी कल बनाएंगे व्लॉग, आज थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से ना नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी, और रात की नींद तो रात की होती है। तो फटाफट से कपड़े बदलते हैं और मैं कहता हूँ सो ही जाते हैं, क्योंकि आधा हो गया, चलो आधा कल कर लेंगे। और रज्जुल भी देखो अभी तक आँखें मल रहा है लेकिन सोना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।